अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है लाहू तलामका। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना बंदे, ये है कैब। हम इधर नहीं गए क्योंकि पहले हम जा चुके हैं। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से पानी अभी बह के नीचे आ रहा है। ये आप शायद हम देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या एक्साइटमेंट है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, हम यहाँ गए, देन यहाँ से होते हुए हम इधर आए, एंड देन हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब जा रहे हैं ऊपर। तुम्हारे साथ रहिए। और भाई इंजॉय हो रहा है? अच्छा जी, आपको नीचे लग रहा है मगरिब हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ 3:30 हो रहे हैं, एक घंटा है असर को भी, क्योंकि धूप सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसी जगह? ऊपर है अच्छी जगह? तो जी हाँ, अच्छा यहाँ पे एक्साइटमेंट ये है कि हमें ये जर्नी 4:30, अभी 3:30 हो रहे हैं, 4:30 से पहले पहले वाइंड अप करनी है, क्योंकि अगर असर से ज़्यादा का टाइम हो गया तो इस एरिया में सारा अंधेरा हो जाएगा, हमारे लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो में आप देख भी रहोगे तो ज़्यादातर लोग जो है वापस जा रहे हैं, जाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। हम अनोखे ही हैं यहाँ पे, ऐसे हैं जो कि लेट हो गए, लेकिन जाना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सके है क्या। ये यहाँ के बाबा हैं, ये कोई तावीज़ घंटे देते हैं, ये यहाँ के बाबा हैं, और ये शादी के लिए भी तावीज़ देते हैं और जानदार होने के लिए भी। आए ज़रा इधर से भी व्यू दिखाते हैं आपको। ये है बलोचिस्तान और नौरानी। हाँ कमा, आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ, मेरा टाइम इज़ वेरी लिमिटेड और सफ़र अभी लंबा है। लाहू तलामका, इसके बारे में मशहूर यह है कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत बिलावल शाह नूरानी साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, वो इबादत किया करते थे इस ग़ार में। उस वक्त इस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि सामने अगर आपको रोड नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल वैरान जगह थी जहाँ पर वो आते थे, इबादत करते थे। अच्छा, उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग कहानी भी बहुत मशहूर है, वो है देव की कहानी। वहाँ पर टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम नहीं जा सके, अगर कभी गए तो फिर आपको वो जगह भी दिखाएंगे। सीन कुछ यूँ है कि कहते हैं कि हज़रत बिलावल शाह नूरानी ने देव से लड़ाई की थी, और देव को जो है उन्होंने एक गार में बंद कर दिया था, और गार को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया था, जिस पर देव की छवि अभी भी नज़र आती है। उसकी पिक्चर्स मेरे पास है, मैं पिक्चर्स वीडियो में एंड में लगा दूंगा, लेकिन अभी नहीं जा सकते वहाँ पे। इब्रार यार, ये तो बहुत ऊंचा है यार। हाँ मैंने बोला ना, यहाँ घूम से घूम कर जाएंगे पीछे से। कैसी तबीयत है? बुरा हाल नहीं। बुरा हाल नहीं, अच्छा हाल है। आते बताओ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है, इतनी सांस मेरी नहीं फूली हुई कि मैं आगे तक अपना इरादा कैंसिल कर दूं। अच्छा। तो बस ये नौजवान लड़का है हमारे दरमियान, बाकी ये तो शादीशुदा, ये तो गुजर चुका है, गुजरने वाला, और मैं गुजरने वाला। हाँ हाँ, तो भाइयों दोस्तों और दोस्तों, दिखा दे झरना कैसे नीचे है, जहाँ पर हम नीचे बैठे हुए थे, नीचे की वीडियो और यहाँ से ऊपर की वीडियो। हाँ ये है झरना, थोड़ा सा आगे जाओ, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से और नीचे जाओ थोड़ा सा आगे, वहाँ से दिखा दे। छोड़ो यार, टाइम नहीं है यार, दिखाने का कह दिया तो फिर दिखाना पड़ेगा, वरना व्यूवर्स नाराज हो जाएंगे। चलें जी दिखा देते हैं, बहुत ही स्लिपरी और बहुत ही खतरनाक जगह। नहीं यार, बस इतना ही है। अल्लाह, अच्छा यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन्स जो होते हैं ना, जिसको आम जबान में गो कहते हैं, जिसकी आप नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर वीडियोस भी देखते हैं कि उनके काटने, उनका जहर सांप के जहर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो भी अक्सर पाई जाती हैं। हम लास्ट टाइम जब आए थे तो हमें
इसी किसी पहाड़ पर ऊपर से चलती हुई नजर आई थी। अच्छा, वो छोटी साइज की नहीं होती, बहुत बड़ी मगरमच्छ की साइज की होती है, कोमोडो ड्रैगन्स, वो भी हैं। और एक और भी मिथ ही कहूँगा मैं, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा इब्रार आदर, एक और मिथ जो है ना वो यहाँ का मशहूर है कि रात को यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पत्थर के बने हुए जानवर हैं, जैसे कि पत्थर की ऊँटनी है जो लाहौत लामका के अंदर है, उसके बारे में ये रिवायत है कि वो हज़रत बिलावल शाह नूरानी की ऊँटनी थी, जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके उनके गम में वो इस गार में बैठी रह गई और बैठे बैठे पत्थर की हो गई। उससे भी यहाँ के मकामी लोग काफ़ी अकीदत रखते हैं। अगर हम अंदर जाते, अच्छा मैं मिथ बता रहा था, मिथ क्या है मशहूर, बड़ी बात ये है कि अंदर होते अंधेरा, बल्ब वगैरह रोशनी का कोई सीन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको दिखाते हैं लेकिन अभी नहीं दिखा सकते लाइट ना होने की वजह से। ये नूरानी जाते हुए जानवर ना हो सके, इसको हम यहीं छोड़ के आगे जा रहे हैं। तो मैं तो बता रहा था मिथ ये मशहूर है यार, यहाँ पे जो पत्थर के बने हुए जानवर हैं कुछ, वो रात को ना हाजिरी असल यानी कि जानवर हो जाते हैं, यानी लाइव हो जाते हैं या जिंदा हो जाते हैं ऐसे कह लें, और वो आके मज़ार पे हाजिरी देते हैं और यहाँ पे घूमते रहते हैं। मगरिब से पहले पहले इस जगह को खाली कर दिया जाता है। और हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि बहुत एडवेंचरियस है, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को आएँ अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी एक्सरसाइज। पहाड़ों पर चढ़ना है, पत्थरों पर चढ़ना है और चलते रहना है और ब्यूटी को इन्जॉय करना। बस मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ भाई, जब ऊपर पहुँच जाएंगे देन आई विल शो यू कि क्या है वहाँ पे।